अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद अरबाज आसिफ बेबाक सचिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। शकील भाई साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। ठीक सर, हाँ एकदम एकदम। और ये वोटिंग का अब बोलना जरूरी है क्या? मैं इसीलिए वो मीटिंग बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे तशरीफ फरमा हमारे मोस्ट कांग्रेस के सीनियर, बहुत बहुत खुशी हुई हमारे विजय सिम्हा रेड्डी साहब, मलकपेट के सीनियर और बहुत कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, माशाल्लाह जो है आज देश पे मुलाकात हुई साहब से। और जो है हमारे अज्जू भाई साहब और तो जो है कोई भी सब नए नए दिख रहे हैं एरिए के मुकामी हमारे लीडर, कोई भी नया है विजय सिम्हा रेड्डी साहब, आप सीनियर मोस्ट लीडर आप बुलाना था। सलीम भाई सपोटावा कांग्रेस के लीडर भाई, बहुत सीनियर लीडर और हमारे एरिए के मुकामी लोग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। लेडीज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। मेरी माँ बहनों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। हमारे विजय सिम्हा रेड्डी साहब, मैं जो है हमारे सुधीर कुमार साहब के साथ और जो है हमारे मल रेड्डी साहब के साथ यहाँ का मुकामी लीडर हूँ और बहुत हार्ड वर्क करके जीता के आए थे हम लोग। किसी वजह से जो है मलकपेट की सीट प्योर कांग्रेस की सीट, बेहतर जो है हमारे लीडर साहब बड़े लोग बैठते हैं, प्योर कांग्रेस की सीट किसी वजह से जो है नहीं अरे अरे भाई इसकी ज़रूरत नहीं है बहुत आप तो ये कांग्रेस का एरिया था मेरे भाई, यहाँ पे जो है बहुत काम करे हम लोग, किसी वजह से ये सीट जो है MIM के हाथ में आई, उसके बाद से वो लोग जो है काम करना शुरू करे। हमारे अशफाक साहब भी सीनियर लीडर है कांग्रेस के, आपके वालिद भी जो है बहुत सीनियर थे और मैं जो है आप सबसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है हमारे अकबर साहब, शेख अकबर साहब कांग्रेस के जो है क्यों अभी लीडर जो है MLA के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, नए हैं यहाँ पे, आप जो है कहीं बाहर से आए हुए हैं, आपका तारू आप नहीं मालूम भाई जगताप साहब जी, भाई जगताप साहब जी, तो यहाँ के जो है मुकामी जो है कोई भी नहीं है, नाम नहीं मालूम यहाँ के लोगों का मेरे को। और यहाँ पर भी जो है यहाँ के लेडीज भी जो है यहाँ के जेंट्स लेडीज मुकामी लोग नजर नहीं आ रहे भाई। नाम बोलो साहब, क्या नाम बोले भाई जगताप साहब का इस्तकबाल है। भाई जगताप साहब हमारे महाराष्ट्र से पीसीसी और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, हैदराबाद के अध्यक्ष हैं, अली रजा साहब यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो भी आप लोगों से मुखातिब होंगे। और हमारे भाई मुकामी लोग तो जो है नजर नहीं आ रहे यहाँ पर, तकरीबन जो है लेडीज बाहर के हैं और जो है जेंट्स भी जो है मुकामी लोग नहीं नजर आ रहे भाई। हम जब काम करते थे नसीमा रेड्डी साहब, ये एरिया पूरा हम देखते थे, हम यहाँ के सीनियर जो है कांग्रेस के थे, हम जो है यहाँ का एरिया पूरा देखते थे, क्योंकि जो है अभी जो है कांग्रेस के बजाय जो है MIM में जो है MIM इतना डेवलपमेंट लाए यहाँ पर। एक सेकंड बोलने दो मेरे भाई, अरे हकीकत बोलने दो जी, आवार और सलीम भाई हकीकत बोलने दो, काम की बात करने दो, इज्जत से कुछ बात गलत बोल रहे क्या? विजय सिम्हा रेड्डी साहब गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं भाई जरा बात करने दो, हमारे लीडर से बात करने दो, अरे ठहरो उनसे बात करने दो, बात तो कल में नहीं, अरे मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये हकीकत बोलो ना, अरे हमारे विजय सिम्हा रेड्डी साहब हकीकत बोल रहा हूँ, अरे आप सीनियर आदमी रह गया, आप सीनियर है ना, आप मुकामी लोगों को बुलाए क्या? मुकामी लोगों को बुलाए, हम कांग्रेस में काम नहीं करेगा, हम सीनियर है ना, बुलाए क्या? बोलो आप भाई, बात करने दो उनसे, अशफाक भाई सीनियर ही।